सो गाइस फाइनली मुझे आज इन पहाड़ों की आंखों से ओझल होना पड़ेगा, इन पहाड़ियों को अलविदा कहना पड़ेगा। ज़्यादा समय के लिए नहीं, चलो कुछ ही समय के लिए, बट इनसे दूर जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या करें, ज़िंदगी हमेशा आपको खुशियां ही नहीं दे सकती। तो बिलीव मी, अगर आपकी ज़िंदगी में आज खुशी है तो कल गम ऑब्वियसली है, अगर आज गम है तो कल आपकी खुशियाँ ऑलरेडी पैक्ड रखी हुई है ऊपर वाले में, बिलीव मी। मुझे यकीन है ये पहाड़ों की मीठी मीठी हवाएं मुझे याद आती रहेंगी, पेड़ों की छांव, ठंडी ठंडी हवा, बादलों का एहसास होना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत देर तक याद आने वाली हैं, क्योंकि इनके साथ जो समा गुजारा होता है ना यार, बिलीव मी, वो चीज़ें रिमार्केबल रह जाती हैं, वो चीज़ें दोबारा नहीं बनती। यू कैन मेक मेमरीज बट यू कांट रीराइट देम। एक छोटा सा व्लॉग है जो मैंने जाते थे शूट कर लिया, डेडिकेटेड टू द माउंटेन्स, पहाड़ों के लिए है ये सिर्फ। और ये ट्यूसडे की सुबह का व्लॉग है क्योंकि उस दिन हम निकले, और बेसिकली हमें 4 दिन पूरे हो चुके थे और हमने निकलना था 1 दिन पहले, बट ट्यूसडे को भी सुबह 6 बजे से लेकर लगातार 10 बजे तक बारिश होती ही रही। और ये नहीं कि धीमी हो, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और उसके बाद जब बारिश घटी, उसके बाद का नज़ारा है कुछ ऐसा दिख रहा था। चेक आउट द व्यू गाइस। हम निकले बेखबर, हम बेखबरों की तरह निकल गए, फिर से बारिश जैसी रुकी। और हमें नहीं पता था कि ज़िंदगी में थोड़ी दूरी में हमसे एक बहुत अच्छी परीक्षा रखी हुई थी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या थी। तो ये जो परीक्षा है कुछ इस तरह से शुरू हुई, हम जैसे ही निकले घर से तो आफ्टर 10 या 15 मिनट्स हमारा जो बुलेट था फ्रीज हो गया। उसमें ना सेल्फ चल रही, ना क्लच चल रही, वी वर स्टक इन आउट ऑफ नो वेयर फॉर 15 या 20 मिनट्स, और बारिश भी शुरू हो गई थी। फर्स्ट थिंग वॉज दैट। उसके बाद जैसे तैसे करके हमने धक्का लगवा के उसे चलाया, चल पड़ा, चलने लगे हम थोड़ी दूर आगे, और उसके बाद हमारा टायर फ्लैट हो गया। सो सैड यार। सो ये व्यू मैंने तब कैप्चर किया जब हमारा टायर फ्लैट हो रखा था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए। तो मैं थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ देखा। आफ्टर ऑल दिस जो टायर फ्लैट हुआ था, जब वो ठीक हो गया उसके बाद हमने चलने का सोचा, बट ऊपर वाले को इतनी सी काई बर्दाश्त थी यार। उसके बाद बारिश शुरू हो गई और वो भी इतनी तेज, रोड से पानी नीचे बहने लग गए लिटरली, और आई वाज सो स्केयर्ड टू ड्राइव ऑन ऑल दैट रोड्स, बट स्टिल थैंक्स टू गॉड यार मैंने सब ड्राइव किया केयरफुल। मैं उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर से हमने बाइक स्टार्ट की और हम चल पड़े। बारिश भी थम गई, बाइक भी नॉर्मली चलने लग गई, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। और यूजली जो जैसे मनाली की सड़कों पे भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, वो ट्रैफिक भी देखने को नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज आजकल कोई भी नहीं जाता यार कि कोई गीली सड़कों पे बाइक चलाए, और ऊपर से वो भी पहाड़ों की सड़कों पे। यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, पर वी वर वन ऑफ देम जो बहुत कम परसेंटेज पे थे, बट सड़कों पे राइडर्स आप देख सकते थे, राइडर्स ही थे जो चला रहे थे बाइक। कार्स वगैरह थी बट कार्स इतनी नहीं थी एज कम्पेयर टू राइडर्स एंड टेम्पू ट्रैवलर्स। तो डर तो बहुत लगा, बट इवेंचुअली वी हैव टू क्रॉस दैट थिंग, बिकॉज अगर हम ना करते तो हम घर वापस नहीं पहुंच पाते जल्दी। और कुछ दूर चलने के बाद, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 किलोमीटर्स चलने के बाद, एक नई चुनौती हमारे सामने फिर से आ गई, और चलो मैं आपको बताता हूँ वो क्या था, आप देखिए नीचे। तो ये थी हमारी आखिरी चुनौती। हमें खबर आई एकदम से भीड़ जमा हो गई, भीड़ इन द सेंस ट्रैफिक जैम हो गया बहुत लंबा, और हमें पता चला कि हमारे से कुछ डिस्टेंस आगे जिस रोड पे हम जा रहे थे वहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुकी है, और सब कुछ जाम हो चुका था, इतनी बड़ी लाइन लग चुकी थी, एंड आई वाज स्टक यार।
सब कुछ ख़त्म हो गया, 2 घंटे लग गए ऑलमोस्ट ट्रैफिक जाम को क्लियर होते होते। उसके बाद हम चल पड़े और हम सीधा जाकर के पंटो डैम पे। पंटो डैम का नज़ारा इतना खूबसूरत, मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है, आप प्लीज़ देखिए। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पर आई कैन फील द क्लाउड्स, आई कैन फील द वाटर, आई कैन फील द ब्रीज। सो ये लास्ट क्लिप था जो मैंने शाम ढलते ढलते कैप्चर किया था अपने मोबाइल से, एंड इट फेल्ट सो गुड यार। यू कैन चेक द व्यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़।